अस्सलाम वालेकुम, मैं नमन उमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की जो पहली अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी रिसेंटली आईफिक्स ने आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो को ओपन किया, उसके बाद उन्होंने दोनों के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जो चीज़ें सामने आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मे बी आप लोगों को पता हो कि एप्पल अपनी पूरी कोशिश करता है कि कोई भी थर्ड पार्टी जो टेक्नीशियन है या फिर जो रिपेयर करने वाले लोग हैं वो आईफोन के अंदर ना ही घुस सके, उनको दूर ही रखा जाए। एप्पल ऐसी डिज़ाइनिंग करता है आईफोन्स के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि एप्पल जो वहाँ पर चीज़ें यूज़ करता है, जो पेज वगैरह होते हैं उनको क्या कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में मुझे पता नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप का यूज़ करता है ताकि आईफोन को ओपन करना लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो। एप्पल की यही कोशिश होती है कि उसका जो ऑफिशियल रिटेलर है, उसका जो ऑफिशियल डीलर है या फिर उसके जो ऑफिशियल सेंटर्स हैं वहाँ पर जाके ही लोग अपने आईफोन्स को रिपेयर करवाएँ या फिर उनके जो पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस करवाएँ। अभी रिसेंटली आईफिक्स वालों ने क्या किया कि इन लोगों ने आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो के जो कैमराज थे और जो स्क्रीन थी उनको चेंज करके देखा। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आईफोन 12 की, जब उन लोगों ने उसके अंदर कैमरा को रिप्लेस किया, उन लोगों ने क्या किया कि किसी दूसरे आईफोन 12 के कैमरा को इसके अंदर लगाया तो जो कैमराज थे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। कैमराज चल तो रहे थे लेकिन कैमराज के अंदर मसले ये आ रहे थे कि बग्स आ रहे थे, जो अल्ट्रावाइट कैमरा था वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इशूज आ रहे थे। अब यहाँ पर आप लोगों को बिहाइंड द सीन में थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। जब एप्पल ने आईफोन 5s के अंदर टच आई डी को यूज़ किया था तो उसके बाद सीन ये चल रहा था कि अगर किसी की टच आई डी खराब होती है तो वो सिर्फ एप्पल के जो स्टोर थे वहाँ पर जाके ही उसको रिप्लेस करवा सकता था। जो थर्ड पार्टी रिपेयर्स थे, जब वो उसके अंदर एप्पल की ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर वाली टेक्नोलॉजी थी उसको रिप्लेस करते थे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे थे। इसकी रीज़न एप्पल ने बाद में ये बताई थी कि भाई ये जो टच आई डी का पूरा सेंसर होता है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है आपकी सिक्योरिटी के लिए आईफोन की, इसलिए हम लोग किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन को अलाउड नहीं करते कि वो आपके फ़ोन के अंदर इतने सेंसिटिव पार्ट को रिप्लेस करें, क्योंकि अगर वो किसी ऐसे पार्ट को लगा देता जो कि बग हो जिसके अंदर यानी कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। इसी तरह अब एप्पल इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा रहा है। अगर आप लोग बात करते हो डिस्प्ले की और स्क्रीन की, तो आईफोन 12 के अंदर आप लोगों को जब इसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू आएगा तो आपको ये एप्पल के जो ऑफिशियल स्टोर होते हैं वहाँ पर जाकर ही इस पार्ट को रिप्लेस करवाना पड़ेगा। इसकी रीज़न ये होती है कि एप्पल अब क्या करता है कि आईफोन के अंदर जब भी कोई पार्ट रिप्लेस किया जाता है उसके बाद जब आईफोन को दोबारा आप लोग सेटअप करते हो तो वो एप्पल की जो सर्विसेज होती हैं, एप्पल का जो पूरा एक डाटा सेंटर होता है उसके साथ कनेक्ट करता है, उसको वेरीफाई करवाता है, उसके बाद आपका जो आईफोन है वो एक्टिवेट होता है। अब ये वाली जो चीज़ है मैंने पर्सनली तौर पर भी एक्सपीरियंस की थी, अपने आईफोन के अंदर मैंने बैटरी को रिप्लेस करवाया था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे थे। जब आप लोग अपने आईफोन को अपडेट करते हो तो अपडेट के ऊपर बाई स्टक हो जाता है, एक दफ़ा अगर वो चल भी पड़े, जब भी कोई अपडेट आती है जब आप अपडेट करते हो तो वो कहता है कि ये वाला इशू आ रहा है, आपको एरर नंबर दे देता है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसले आते हैं। अब ये वाली जो चीज़ है आप लोग इसको पता नहीं किस नज़र से देख रहे होंगे, लेकिन पर्सनली तौर पर मैंने ये इशू फेस भी किया, लेकिन मैं स्टिल इस चीज़ के अंदर बिलीव करता हूँ कि एप्पल जो काम कर रहा है वो भाई बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि आपका जो फ़ोन है अगर हम लोग बात करते हैं आईफोन्स की तो भाई डाटा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्पल के लिए जो प्राइवेसी है, जो सिक्योरिटी है, वो सबसे टॉप के ऊपर है। हम लोगों ने पहले भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के केसेस देखे हैं, तो अगर आपके माइंड के अंदर आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी सिक्योरिटी और डाटा है तो आप लोग इस चीज़ के साथ एग्री करोगे कि एप्पल जो कह रहा है वो ठीक कर रहा है। जो दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज हैं उनके जो फ्लैगशिप फोन हैं उनके अंदर इस किस्म का कोई इशू हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैं इस चीज़ के साथ टोटली तौर पर एग्री करता हूँ। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोग इस चीज़ के साथ एग्री करते हो या फिर नहीं करते कि एप्पल ये वाला जो काम कर रहा है एप्पल को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और आप लोगों को क्या लगता है कि जो दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज हैं फ्लैगशिप फोन वाली उनको भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यार जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर जो आईफोन यूज़र्स हैं उनके लिए जो कंडीशन है वो स्टिल वहीं की वहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर किसी आईफोन के अंदर कोई मसला आता है तो ओनर के माइंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंसिक्योरिटीज़ होती हैं, काफ़ी डाउट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको मसले आ रहे होते हैं कि मैंने इसको कहाँ से रिप्लेस करवाना पार्ट को या फिर इसको कहाँ से रिपेयर करवाना है। तो ये वाला जो मसला है पता नहीं कितने और मज़ीद साल चलेगा, एप्पल पाकिस्तान के अंदर अच्छी तरह कब ऑफिशियली तौर पर एक्चुअल में आता है जो कि अपनी टीम को डायरेक्टली तौर पर कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पाकिस्तान के अंदर बस चल रही हैं आईफोन के यूज़र्स के लिए। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है स्नैपड्रैगन की तरफ से, स्नैपड्रैगन 875 के रिलेटेड उसके जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स आए हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हैं, वो दूसरे जो मेन स्ट्रीम लाइन के प्रोसेसर उनको काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ पर स्कोर्स की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 875 के अंदर में एंटूटू के ऊपर 847,000 से प्लस का स्कोर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी एक बड़ी लीप है। अगर हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं प्रीवियस जनरेशन के स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ तो हमें 25% से भी ज़्यादा की परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू एंटूटू बेंचमार्क। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं मार्केट के अंदर कंपिटिटर्स के साथ तो A14 जो बायोनिक चिप है आईफोन 12 के अंदर उसके अंदर हमें 564,000 का स्कोर मिलता है, क्री 9000 के अंदर में 696,000 और एक्सिनोस 1080 के अंदर में 693,000
3000 का स्कोर मिलता है, तो इट मीन्स के भाई जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है एंड 22 के मामले के अंदर तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे है दूसरों से। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो फोन स्नैपड्रैगन 875 के साथ आएंगे उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो एज़ कम्पेयर टू इन फोन जिनके अंदर में N22 का स्कोर काफ़ी कम मिल रहा है परफॉर्मेंस के अंदर भी इतना ही ज़्यादा डिफरेंस होगा तो ये सीन बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में जो ऑप्टिमाइजेशन होती है सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की और GPU की, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही होती है, लेकिन भाई यहाँ पर जो टोटली तौर पर स्नैपड्रैगन वो मार्केट को लीड कर ही रहा है। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है PUBG के रिलेटेड। PUBG इंडिया के अंदर पहले तो बैन थी लेकिन अब परमानेंटली PUBG इंडिया से अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर वो चली गई है। PUBG ने ये चीज़ ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दी है कि वो लोग इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं। अब इंडिया से PUBG टोटली तौर पर जा चुकी हुई है और मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। लेकिन मेरी अब इसके बारे में क्या ओपिनियन है मैं मुझे इतना नहीं पता, लेकिन भाई PUBG इंडिया को छोड़ के चली गई और मैंने काफ़ी दफ़ा इंडियंस के साथ PUBG को प्ले किया है। सही लोग होते हैं यार, नॉर्मल मर जैसे लोग होते हैं, मैंने तो कैसा कोई हेट वगैरह को फेस नहीं किया, लेकिन भाई PUBG इज़ गॉन फ्रॉम इंडिया। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है Huawei Google बैन के रिलेटेड। अब यार कुछ ही दिन पहले आप लोगों के साथ मैंने एक न्यूज़ को शेयर किया था कि US गवर्नमेंट ने कंपनीज़ को इजाज़त दे दी है कि आप लोग Huawei के साथ चिप्स वगैरह का जो भी बिज़नेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हो एज फार एज आप उसके अंदर 5G को इंक्लूड नहीं करोगे, यानी कि जो 5G के रिलेटेड बिज़नेस है वो नहीं किया जा सकता। इसके बाद इंटरनेट के ऊपर हर तरफ ये बात डिस्कस की जा रही है कि इट मीन्स के जो गूगल है उसको भी इजाज़त मिल सकती है Huawei के साथ काम करने की, क्योंकि जो गूगल है जो एंड्रॉयड है इसके अंदर 5G का तो किसी किस्म का कोई भी लेना देना नहीं है। लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन द नियर फ्यूचर गूगल को इजाज़त मिल जाएगी, जो बैन चैन का पूरा सीन चल रहा है ये ख़त्म कर दिया जाएगा। और मुझे भी यार पर्सनल तौर पर ये चीज़ लगती है कि जो US की मेन स्ट्रेटजी थी, जो उनका मेन गोल था Huawei के रिलेटेड, बैन चैन के रिलेटेड, वो ये था कि Huawei की जो 5G की टेक्नोलॉजी है उसको दुनिया के अंदर फैलने से रोका जा सके, और उन्होंने जितने भी मेयर्स को लेना था वो उन्होंने ले लिए हुए हैं और उन्होंने जितनी कंपनीज को कंट्रोल करना था उन्होंने सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया हुआ है। दुनिया के अंदर हर कंपनी को Huawei के साथ बिजनेस करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, अगर उसका किसी किस्म का कोई भी लिंक है अमेरिका के साथ। तो एट द एंड उन लोगों ने इस चीज़ का यही रिजल्ट निकाला है कि भाई 5G के ऊपर स्पेसिफिकली हमें पाबंदी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि Huawei के साथ बिजनेस ख़त्म करके जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो चांसेस अब इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा हैं कि फ्यूचर के अंदर Huawei के ऊपर ये जो गूगल शूगल का सारा बैन चल रहा है इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है वीवो की तरफ से, वीवो V20 SC पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। इसके अंदर 3 दिन रह गए हैं, आज 31 है तो 3 दिन के बाद 3 तारीख होगी, तो 3 तारीख को पाकिस्तान के अंदर वीवो V20 SC लॉन्च किया जा रहा है। अब इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो तो हमें ऑलरेडी पता है, इंटरनेट के ऊपर सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला 6.4 इंचेस का, उसके अंदर अंडर डिस्प्ले हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 665 होगा, 48 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर होगा, 4100mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें वीवो V20 SC की पाकिस्तान के अंदर प्राइस कितनी मिलेगी। जो इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं प्रोसेसर वगैरह को छोड़ के, देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर वीवो इसको कहाँ पर प्लेस करता है, क्योंकि भाई जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका हुआ है। आप लोगों की नजर में वीवो V20 SC की प्राइस कितनी होनी चाहिए, आप लोग इसको कहां पर देख रहे हो, अगर आप लोग इसको बाय करने का सोच रहे हो तो आपके माइंड के अंदर जो एक प्राइस की लिमिट है वो कहां पर है कि इस प्राइस रेंज के अगर नीचे नीचे आता तो आप लोग बाय करोगे, अगर इस प्राइस से थोड़ा सा भी ऊपर जाता तो भाई आप लोग इसको स्किप करवा दोगे, नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। इसके बाद अगली न्यूज यहां पर आ रही है फेसबुक की तरफ से। अब आप लोगों को पता है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं और जो फेसबुक का पिछले अगर हम लोग अमेरिकन इलेक्शंस को देखते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने विन किया था जो फेसबुक के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था, फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इल्ज़ाम लगाए थे, वो जो पूरा ब्रिटिश एनालिटिका का केस चला था। लेकिन इस दफ़ा जो अमेरिकन इलेक्शंस हो रहे हैं इसके अंदर भाई फेसबुक काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। फेसबुक के ऊपर अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स को डिलीट किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो टर्म यूज़ की जा रही है उसको कहा जा रहा है कि परसेप्शन हैकिंग ना हो फेसबुक के ऊपर, यानी कि ये जो परसेप्शन हैकिंग है इसके बारे में आप लोगों ने मे भी पहली दफ़ा सुना हो। इसका मतलब ये है कि आप लोग फेसबुक के ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन को फैलाते हो, लोगों को मिसलीड करते हो, लोगों के जो परसेप्शन होते हैं उनको चेंज करने की कोशिश की जाती है गलत इन्फॉर्मेशन के साथ। तो फेसबुक इसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन के दिनों के अंदर फेसबुक के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको
टर्न वगैरह करके लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ ना घुसाई जा सके कि ये वाली जो पार्टी है ये ठीक है, ये वाली पार्टी ये गलत है। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए फेसबुक अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स को डिलीट करा। और आप लोगों को मैं बताऊँ कि ये वाली जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दौर के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो भाई हर किसी का ध्यान यहीं पर होता है, हर कोई यहीं पर देख रहा होता है, तो लोगों के माइंड के साथ प्ले करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका होगा। पाकिस्तान के अंदर भी मुझे लगता है कि फेसबुक के ऊपर जो परसेप्शन हैकिंग है इसके रिलेटेड भी लाज होने चाहिए। लेकिन खैर अमेरिका के अंदर ये न्यूज़ आ रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान की अंदर से ही, हफीज़ सेंटर के अंदर आप लोगों को पता कि आग लगी थी। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, उन्होंने कहा कि हम लोग 5 बिलियन पाकिस्तानी जो रुपीज़ है उनका एक रिलीफ पैकेज देंगे हफीज़ सेंटर वगैरह को, ताकि वो लोग अपने बिजनेसिस को रिस्टोर कर सकें। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनके जो बिज़नेस थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास ये न्यूज़ आ रही थी। वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। अगर रिप्लाई ना करें तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। जाने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।